सुहावन सुंदर सूरत हो। ये भोले बाबा की दिखाना, भोले बाबा का चेहरा, हाँ ये वाला, कि कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, हे करे तारा हल आ जरूरत मनोरथ खूब सूरत हो। हे भोले बाबा हे करे तारा हल आ जरूरत मनोरथ खूब सूरत हो। कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत मनोहर मंगल मूरत हो। अब देखा सब कोई कहता, हम अगर कहता नहीं तो का कहब, ए बाबा जी, ए बाबा जी, ए बाबा जी, ए करे तारा हल आ जरूरत मुहूर्त खूब सूरत। अरे असही केसरिया लहरावत रही कांवर लेके आवत रही हो। अब मान लो कोई मेहरारू अपने पति के कहतिया, कैसे कहतिया तो का कही, कैसे कही, ये राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तारा हल आ जरूरत मुहूर्त खूब सूरत। ए राजा जी, ए करे तारा हल आ जरूरत खूब सूरत। ए राजा जी, ए करे तारा हल आ जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए राजा जी, ए करे तारा हल आ जरूरत मुहूर्त खूब सूरत। अरे हमरा बुझाता बबुआ, जो कावड़ लेके जात हटे ओकरे बारे में गांव घर के माई कही, दादी कही, कैसे कही, कि हमरा बुझाता बबुआ, अरे जीएम होई है ना 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 ना, डीएम होई है हो। और ये मैंने देखा है महाराज जी, मैं 7 साल सुल्तानगंज से जल उठा के और 120 किलोमीटर पैदल चल के हमने बाबा को जल ढारा जीवन। और हर कदम थोड़ा सा वो बात सोच के ना थोड़ा हम इमोशनल हो सकीला। जब हम लोग जाते थे, हम लोग का 20-25 लड़कों का ग्रुप होता था, मेरे भाई बहन उस 20-25 के ग्रुप में एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो बिना काम के घर में बैठा हो। सब कहीं ना कहीं से, सब कहीं ना कहीं से। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है
अरे कांवर के शुद्धता बनवले रहिया, एक कांवर के शुद्धता बनवले रहिया, पवित्रता जगवले रहिया हो। ये हमारी प्रार्थना है। जितने लोग कांवर लेके आवत सबका से बोला तनी कि कांवर के शुद्धता बनवले रहिया, पवित्रता जगवले रहिया हो। ए बाबा जी, कांवड़ लेके चलने वाले को भी बाबा बम बोलते हैं। वो इस समय संत है, महात्मा है, आप ही हो, आप ही हो। जैसे मनोज बम जगदम्बिका। ए बाबा जी, ए बाबा जी, इस सनातन के झंडा लहराले एक बहुत बढ़िया बात, ये गाना जब गांव में मेहरारू गावे लिसन, अपने बच्चा खातिर गावे लिसन, तो ये कहिया सन कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है। एकर मतलब मुनि ज्ञानी होते हैं, महात्मा ज्ञानी होते हैं। अगर ज्ञानी नहीं है तो फिर मुनि होने में संदेह है, फिर ज्ञान, फिर महात्मा होने में संदेह हो जाएगा ना दीदी। तो आप इस समय महात्मा हैं, आप ज्ञानी हैं। छोटी मोटी बात रास्ता में हो गए तो आप माफ कर दिए होंगे, भोले बाबा आपका जल स्वीकार करेंगे। कल आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा, जब सवेरे सवेरे हम लोग जल ढारेंगे ना, सवेरे ढारेंगे ना, सब कब ढारे के बाहो सवेरे। बहुत सही, हमने भी 7 साल ढारा। ठीक ठीक, लेकिन अभी मुनि हो के बाद हो। 1 साल ढारे, 2 साल ढारे। कई लोग बोलते थे अच्छा चढ़ाया ही लो, बन गई लो, गोड़ फूल गिल बाटे, फाट गिल बा, कपड़ा बांध बांध के चलत रही जा। लेकिन मैं तब ये बोलता था भोले बाबा से, भोले बाबा मैं जल चढ़ाने आया हूं, मैं आपसे जो मांगने आया हूं वो बोलूंगा नहीं, मैं जो आपसे चाहता हूं वो मुंह से नहीं कहूंगा, मैं अपना कर्म करते रहूंगा, एक दिन हो सके तो हमारी इस तपस्या का फल दे देना बाबा, तपस्या का फल। ऐसे सुडू बाबू, ऐसे हम चाहते थे भैया। क्या मैं तो, हमारा घर में तो कोई गांव के प्रधानों नहीं खेल रहा, और मैं तीसरी बार सांसद हो गया, क्या करें। कभी कभी हमू सोची लागे पता नहीं क्या हो रहा है, चमत्कार है भाई। तो मुझे लगता है कि हमरा बुझाता बबुआ, अरे जीएम होई है, अरे चाहे आगे जाके दरोगा होई है, हो एसडीएम होई है, एसडीएम, अरे कुछ तो शिव जी के कृपा से कुछ तो बाबू जरूर होई है, मन के चलावत रही है हो, हर शिव जी के कृपा से कुछ तो ही जरूर होई है, मन के चलावत रही है हो, शिव जी के कृपा से
अरे मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है और राजा जैसन दानी होई है हो। देखो भैया, हमारे गांव की बूढ़ी माता जी भी बोलती है ये राजा जैसा दानी होगा। धुआं बंद करो। इसका मतलब राजा वही है जो दानी है। जो दानी नहीं है वो राजा के कुर्सी पे बैठ के भी राजा नहीं हो सकता। संदेह, क्या बात है, आज दान होने वाला। भैया गलती तो नहीं बोल रहे हैं ना? और हम कौन संसद में बोला तनी कि तो हमारा स्पंज का देवा। क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे। जगदम्बिका पाल जी ने दो दिन पहले जो लोकसभा के स्पीकर के कुर्सी पे बैठ के जो निर्णय दिया उसको देखिएगा, पक्ष में भी तारीफ हो रही है और विपक्ष में भी तारीफ। क्या बात है, वारे। अरे गजबे बस्ती के धरतिया बाटे, अरे भदेश्वर बाबा के धरतिया बाटे हो। तो भैया राजा तो वही है जो दानी है। राजा जैसन दानी होई है हो। और मैं, मुझे लगता है जितने कांवड़ लेके आए हैं, जितने कांवड़िया हैं, हमें लगता है आप ऐसे ही बनेंगे। ए ललना अखिल भूमंडल राजधानी होई है, तो से बढ़ के दा